पास हो रहा था उनका वो फ्लीट कहते हैं जी कहें हाँ हाँ यार वो रास्ते में फंस गई तो जान ही दे रहा था पुलिस वाले की सर 3 तारीख को आए थे ना सर आप अरे घर में गया था लेकिन नहीं चले गए सर आप लेट आए थे ना इसलिए सर आज नहीं जाओ सर ना वो दिन सर पता सर थे जो बताए थे सर लेट हो जाएंगे नहीं सर भी नहीं थे सर बैठे हैं वही वाले हैं लिखो क्वेश्चन लिखो एक द साइड ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब इन ए गिविंग सर्कल द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंस्क्राइब इन ए गिविंग सर्कल सबस्टैंडर्ड एंगल अल्फा बीटा गामा सबस्टैंडर्ड एंगल अल्फा बीटा गामा एट द सेंटर देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू किसकी कोस अल्फा प्लस पाई बाई टू कोस बीटा प्लस पाई बाई टू कोस गामा प्लस पाई बाई टू क्या ये मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक ठीक नहीं है इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन निकालनी है किसकी कोस अल्फा बाई टू क्या चीज है ये पढ़ो सवाल एक बार कुछ भी पढ़ो क्या है देखो ये क्या है कि इसके अंदर एक ये क्या है ट्राइंगल है ये है ना ये ट्राइंगल है इस तरह है ये कितने सबस्टैंड एंगल से ये मान ले ये अल्फा है ये बीटा ये गामा ये सबस्टैंड कर रहा है ये तो है इसके क्या कहना मिनिमम वैल्यू क्या है कि है मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन अगर तीन नंबर हैं उनका मिनिमम अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उनका क्या के बराबर होता है वो अर्थमेटिक मीन जहाँ क्या होता है कंडीशन होती है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू याद कर लेना ग्रेटर मीन ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं ज्योमेट्रिक अर्थ मीन इक्वल टू यानी समांतर मध्य क्या के बराबर होता है गुणोत्तर मध्य के बराबर होता है कब होता है अगर ये तीनों नंबर क्या होंगे फिर ये इक्वल होंगे क्या होंगे आई बात फर्स्ट कॉन्सेप्ट सुनू क्या होगा फिर बोलो कोस अल्फा प्लस पाई बाई टू इक्वल टू बीटा प्लस इक्वल टू कोस गामा प्लस ठीक अगर कहीं कोस अल्फा बराबर कोस बीटा तो अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा तो क्या जाएगा अल्फा प्लस पाई बाई टू इक्वल टू बीटा प्लस पाई बाई टू इक्वल टू गामा प्लस पाई बाई टू ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे भाई है भाई आई समझ में इनकी अल्फा प्लस बीटा गामा ये कितने है टोटल 360 तो क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा अच्छा नहीं एक से पहले
अगर ये दोनों को लूंगा पाई बाई टू से पाई बाई टू कट जाएगा, इससे पाई टू पर क्या क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से बात समझोगे। अरे इससे बाई फिगर से हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 है भाई। तो अल्फा क्या आ जाएगा, थ्री अल्फा नहीं आ गए, कि अल्फा बीटा गामा की जगह अल्फा लिख दिया, और अल्फा इज इक्वल टू 120, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 120, अल्फा इज इक्वल टू 120 आ गया। तो क्या आ गया ये वैल्यू, अब 120 को क्या कर सकता हूं मैं, अल्फा यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 120 आ गया, 120 को क्या रेडियन में कन्वर्ट कर लूं, क्या आ जाएगा कितना जाएगा बताओ, 120 को किससे लिख सकता हूं मैं 2π/3 लिख लूं अगर परेशानी ना हो, बता वन पाई क्या जाएगा, पाई इंटू 1/180 आने का पिट्टे पास में, इसे डिग्री को क्या बदल दूंगा मैं रेडियन, रेडियन क्या देता हूँ पाई मल्टीप्लाई 1/80 सोच रहे यार तुम देर में, तो मैं करी देता इससे बढ़े हैं जीरो से 2π/3। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या आ गया 2π/3 आ गया है भाई। अच्छा अब इसका क्या निकालना है मुझे, अर्थमेटिक मीन निकालना, अर्थमेटिक मीन किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म यानी सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये नहीं निकलता, ये नहीं निकलता किसी चीज का अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या आ गया भाई इसका, कॉस बोलो कॉस अल्फा प्लस पाई बाई टू प्लस कॉस बोलो बीटा प्लस प्लस कॉस गामा प्लस पाई बाई अपॉन, यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2π/3 प्लस पाई बाई टू कितना आ गया, देखो ये क्या है 2π/3 प्लस पाई बाई टू कितना आ गया, नहीं जोड़ के भाई 6 आ गया एलसीएम, 3 2 6 बच्चों की तरह कर रहे हैं भाई, ये तो बच्चों को बताए क्या आ गया 6π/6 6 6 आ गया। अच्छा ये इस तरह, तो इसके एक तो तरीका इसका ये होता है, देखो भाई तुम्हें शॉर्ट कट में किन के वो बराबर कर लो, इधर 2 से मल्टीप्लाई इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर ये नहीं समझ आता जैसे है ना, ये 1/2 प्लस 1/3 इसकी इसमें थी नहीं क्या 3 इसकी इसमें और नीचे इसकी इसमें नीचे बस आई बात है क्रॉस मिट्टी यानी इसकी इसमें इसकी इसमें जो साइन होनी चाहिए दोनों मल्टीप्लाई एक हो जाए तरीके है नहीं क्रॉस हमें दिखना है ये कुछ ठीक लगा भाई ये रट लो बस यानी इसकी क्रॉस हमें इसकी इसमें जो बीच में साइन झुक दुआना और नीचे फिर दोनों की मल्टीप्लाई आना ये तो ठीक है एलसीएम भी खत्म ठीक चलो तो किसी पता कर लो। तो क्या आ गया भाई ये कितना आ गया 7π/6 ये कितना आ गया कॉस 7π/6 ये कितना आ गया ये कितना आ गया इसे क्या कर लू 3 cos 7π/6 कर लिया अपॉन 3 से 3 क्या आ गया cos 7π/6 मेरी से तो यून आंसर होना चाहिए मुश्किल था आसान था भाई बढ़िया था ना कॉन्सेप्ट पे अच्छा सवाल मजा था कॉन्सेप्ट भरा पड़ा आसमान कदम कदम पे करता रही थी
बैठे थे आज मेरा थोड़ी बहुत देर भी हुई जाए भाई यार, शहर में जाम वाम काफ़ी लग रहा है। देखो भाई दिखा नहीं, ये हटके समझोगे भाई, ये हर एक समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल आते हैं आईटी में ज़्यादातर, इस तरह के मतलब वो नहीं आते सीधा साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/2 है, थोड़ा हट के। आज तुम्हारी वो कहाँ भाई, तो फ़ोन फान नहीं करा, कुछ हो जाओ। आप तो बड़े दिनों बाद आए, आज क्या बात है भाई, हैं तो भी दिल्ली हो रही थी, कुछ खाया दिया करो, दूध दाद दिया करो। If A and B are two, if A and B are positive quantity such that if A and B are two positive quantities such that A is greater than B, A is greater than B if A and B are positive quantity such that A is greater than B, then minimum value, then the find the minimum value A sec theta minus B tan theta। इसकी minimum value निकालनी है कि इसकी क्या value होगी, क्या होगी A sec theta minus B tan theta की क्या minimum value होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई, सवाल क्लियर समझ आ गया भाई। तो ये क्या दे रखा है, मान लिया इसकी लेट जिसकी दिस मिनिमम वैल्यू इज, मान लिया इसकी वैल्यू एस है, मान लिया कोई दिक्कत तो नहीं भाई, मेरा जी इशारा मान रहे हैं इधर, तो है मानने का है, तो क्या गया एस इधर आ गया प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा, इसको इधर लिया एलिमिनेशन लिया भाई, दिक्कत तो नहीं। अब दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम सिक्स में लिखते हैं दोनों तरफ का ओवर करने पर, अब नहीं लिखते, अब बड़े हो गए हैं, अब तो सीधा समझ जाए, इतना समझ रहे हो, लिख गया लिखूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब बड़े हो गए मैं नहीं, एस प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक। इतने बड़े हो गए, अगर मान ले तुम्हारा पेन रखा ये, अगर ये बिना चुपचाप उठाए तुम्हारे से बाहर लिख रहे तो मुझे बताऊंगे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बताए जिन्हें मैं पेन उठा लिया तो उससे बाहर आ गए मैं, क्या क्या एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अब तो ऐसा है कि अगर तू लिख ले मैं तो फिर लिखूंगा, मैं बैठा तू लिख, ऐसा ही है प्लस टू एस बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू एस बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस के वन, आई बात है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब तो सारे टेन ही आ गए तो मजा आ गया मेरा, क्योंकि एस स्क्वायर तो जुगत हूँ, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर को टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोल लो, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा तुम भी बोल जाओ यार, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2sb tan थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस के ए माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब क्या आ गया एस, ए दोनों में क्या कॉमन है, टेन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के प्लस क्या आ जाएगा 2sb tan थीटा
प्लस एस का स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई? देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई होगी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सी क्या है इसमें? ये ए क्या है? ये एक्स का ये टेन स्क्वायर थीटा का क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या होगी दे रखा है, क्या दे रखा है सवाल पढ़ो एक बार, क्या दे रखा? अब जरा सवाल भी नहीं समझेंगे। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव क्वांटिटीज सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1, देन द मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? रियल होगी। टेन थीटा की वैल्यू रियल होती है, मिनिमम वैल्यू है तो टेन थीटा की वैल्यू कैसी होगी? रियल। तो रियल होगी तो क्या होगा? ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक रूल क्या होते हैं? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, सीधा डायरेक्ट ये होती है। तुम्हारे से तुम्हें नहीं पता कि हुई क्या है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके रियल रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, बी की वैल्यू कितनी है भाई इसमें? बी की वैल्यू कितनी है? ये है बेटे एस बी, एस बी है या टू एस बी है? मैंने एस बी कहा था, जब भी टू एस बी कहा, दोनों से जो मान दोनों बार आपने कहा है। बी स्क्वायर माइनस फोर क्या ले? टू एस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए, ए की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। सी, सी की वैल्यू कितनी है? एस स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू। तो भाई क्या आ गए? फोर एस बी का स्क्वायर, फोर एस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी। आगे बैठे बात है। तो फोर देखो ये कल भी बताया था मैंने, भाई जैसा है भाई नहीं है ना, कैसा है? इक्वल जैसा है, इक्वल भाई नहीं है। तो फोर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बोल लो? एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी। इधर आके आ गया एस स्क्वायर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ये वैल्यू, ये कंडीशन। दिक्कत तो नहीं है भाई? था आसान या मुश्किल था? पहले तो नहीं करा हुआ मतलब हट के स्टैंडर्ड, थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल है उतार लो, या नहीं तो मिट्टू खेला के करेंगे जल्दी करो। अच्छा स्टैंडर्ड है जो कार्ड में प्रूव हो रहा है। जी एस की वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी? क्या कह रहे तो आप सही कहे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ तो बात नहीं होगी? क्या कहा इन्होंने भाई? बड़े अच्छा सवाल पूछा है, नहीं पूछ रहे बड़ा अच्छा लगा। देखो जी इस तरह करते हैं, यहाँ तक के तो रटने वाली बात, यहाँ तक के तो सही है, अगर यहाँ तक के छोड़ दो सवाल। देखो अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि लो जी मैडम का भी कहना मान देंगे थोड़ा सा, भाई नहीं नाराज होंगे। क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर की एस स्क्वायर में क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर एस स्क्वायर, बी स्क्वायर की ए स्क्वायर
बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर की माइनस ए स्क्वायर एस स्क्वायर, फिर प्लस के ए की पावर फोर। अभी नहीं बात नहीं भाई, दोनों की मल्टीप्लाई करती, दोनों की बिच्छू की तरह यार। इसमें किस सोच रहे थे इस एस स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर कट जाकर भाई ज़्यादा फार्मूला हुई। अगर मैं तो मेरा भाई यार झुट्टे झुट्टे हैं, अब क्या आ गया, अब तो ए स्क्वायर एस स्क्वायर आगे प्लस का जगह क्या जाएगा, बोल लो क्या आएगा, बोल लो ए स्क्वायर एफ का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा, ए की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर फोर माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी नहीं समझ आई, हाँ देखिए तो बात नहीं आ गई, अगर तुमने कहते वहीं छोड़ देता, तुमने कहा चल वहीं तक के। अब दोनों ए स्क्वायर एस स्क्वायर दोनों में से ए के स्क्वायर को मान लिया कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर भाई, फिर वही भाई वाला ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। लो जी अब भी नहीं समझ आई, अब तो आ गई होगी बताओ, अब भी या और थोड़ा सा ए प्लस बी माइनस बी लिखनी थे, अच्छी बात है बढ़िया लगता है, बच्चा पूछता है कि यार कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है, काम तो कहीं चल रही है। फोन भी हमारी हाथों आती है, परेशान हो जाते देख के हैं रखा गया। इधर मिटो दी हाँ, नहीं नहीं इसे इतना नहीं, मतलब थोड़ा सी जगह स्पेस चाहिए मुझे, थोड़ी सी देखो भाई क्या है, अब मिटो दो तो yes, अब क्या है, एक नई चीज़ है, नई चीज़ क्या है तो पुरानी है, कुछ नहीं है। देखो ये फॉर्मूले तुमने पढ़ रखी है, ये नहीं मैं पढ़ाता हूँ, कोज ए प्लस बी कोज ए कोज बी साइन ए थी तो पढ़ी रखे होंगे है भाई, ये भी टेन ए प्लस बी टेन ए टेन बी, आप बताऊँ ही नहीं, जरूरत तो नहीं की आगे बढ़े yes, देखो ये तो अननेसेसरी है। लेकिन अब ये थोड़ा सा पढ़ तो ये भी रखा, लेकिन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है ये, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पढ़ तो ये भी रखा है लेकिन थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी क्या अलग है इसमें, साइन स्क्वायर ए को क्या कर लूंगा मैं से, वन माइनस कोज स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कोज स्क्वायर बी, ये नहीं थोड़ा सा अलग कर रखा तुमने, वन माइनस कोज स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कोज स्क्वायर बी, ये आग से ये कट गया, क्या आ गया कोस, ये नहीं पढ़ा रखा होगा तुमने, ये था अपनी चीज तो नहीं पढ़ा था। हाँ अगर मान लिया कहीं हल करते करते मुझे कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए आ गया,
और प्रूव ये करना था, उसको हो गया यही सिद्ध करना, अगर पूछो ना भाई वो तो गलत हो रहा। अच्छा है तो ये कर दो, कॉस ए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, है कि कुल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यह क्या कॉस स्क्वायर बी माइनस एक ही बात है। इसी तरह इस तरह ही क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बी, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इस वन से बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस के साइन स्क्वायर ए, मतलब ये बात है, उतारना चाहिए फॉर्मूला, उतार लो ये वाला, ये थोड़ा सा इसका हिस्सा है उतार लिया, बहुत अच्छी बात है। एक फॉर्मूला वो एक होता है साइन, उतारते रहोगे फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी उतारते रहोगे साथ, साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है साइन ए कोस बी कोस सी प्लस साइन बी कोस ए कोस सी प्लस साइन सी कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी साइन सी कोस बी कोस सी कोस ए कोस सी कोस ए कोस बी। देखो भाई ये है फॉर्म, देखो एक मिनट के लिए, साइन ए प्लस बी प्लस सी थोड़ा नया चीज होगी है क्या, साइन ए कोस से उस साइकिल थी ये, पहले साइन ए आया फिर दोनों कोस आएंगे, क्या याद करने थी का, फिर क्या आया ए के बाद बी, दो बचे आएंगे दोनों कोस के, फिर क्या आएगा साइन सी फिर कोस के, ये हो गया याद, रटने की बात सुनी। इसी तरह ये कोस ए प्लस कोस बी सी, पहले तो इसके तीनों ले लो कोस ए कोस बी सी, फिर माइनस में साइकिल चलेगी, इसमें कोस का एंगल ए फिर साइन के दोनों एंगल बचे हुए, फिर ए के बाद कोस का एंगल बी फिर साइन के एंगल, फिर माइनस कोस का एंगल और साइन का एंगल, याद हो गए तीनों, ये हैं तीन फॉर्मूले, ये तो ये नया होगा नीचे वाला, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी कोस सी, अगर कहीं इस्तेमाल जी चल रहा है मेरा तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा। अच्छा टेन ए प्लस बी टेन सी का भी लिख दूँ फॉर्मूला साथ साथ, इसका भी आता है, आता है फॉर्मूला, रहने दूँ लिख दूँ, चलो तारो सी तार चलो चिरा चलो सी हाथ तुम भी, टेन ए प्लस बी सी क्या जाता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, जो हो गया टेन ए प्लस बी थ्री। देखो किस तरह है, देखो पहले तो अलग अलग लिखा, तीनों याद करने का तरीका है, पहले तीनों अलग अलग कर लिए, फिर माइनस तीनों की मल्टीप्लाई, फिर वही दोनों की साइकिल चलेगी वन माइनस करके, ये दो ले रहे एंगल ए बी
टेन ए बी, फिर माइनस टेन बी सी माइनस टेन सी ए, इस तरह के आगे ये इसके फॉर्म ले जाएंगे। एक रिजल्ट है ये, इसको रिजल्ट लेना क्या है, मिटो दो भाई इसको, क्या है ये इफ ए, क्या है सवाल देखो, एक क्या है ये, एक रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, याद करनी है, क्या है ये, क्या है ये, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, तो प्रूव क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी। अब प्रूव करके दिखाऊं दो लाइन में, अगर हो सके या इस तो रेट लोगे, प्रूव करके दिखाऊं, देखो बहुत आसान है प्रूव करना, सीधी सीधी बात है, ये तो रेट लिख लिया होगा, ये लिख लिया तो प्रूव भी हो गया, इसकी पूरी टिक हुई थी हमारी बात तो, इस तो टिक हुई थी, देखो भाई फार्मूला ये तो हो गया, ये सही फार्मूला गलत सही हो गया, ए प्लस बी सी की वैल्यू पाई है, एन पाई एक पाई दो पाई, जितने भी पाई होते हैं टेन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, टेन पाई की वैल्यू, समझ में नहीं आई, कल बताई तो थी मैंने भाई, टेन पाई का मतलब टेन एक्स टू सी, तोड़ लिया इसे क्या लगा, टेन है हाँ टू मल्टीप्लाई नाइन्टी, अब तो आ गया प्लस जीरो टेन जीरो, समय इवन है, इवन इवन है तो क्या रहेगा, सेम तो क्या रहेगा, टेन जीरो, टेन जीरो की जीरो भाई, अब भी नहीं क्या बात नहीं, तो ए प्लस बी सी जितने भी टेन के एन पाई होंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो क्या आ गया, टेन ए प्लस टेन बी टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी, अब भी नहीं बात बस, ये इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, तो टेन ए प्लस टेन बी टेन सी इक्वल टू माइनस जीरो आ गया, जीरो ये दे रहेगा, टेन बी एक लाइन में प्रूव नहीं होगा, मतलब हर चीज़ प्रूव नहीं, थोड़ी बहुत ही अकल में रटनी पड़े कुछ चीज़ें, मतलब याद समझ गए, इसको बार बार नहीं हट करना, लिखो एक और रिजल्ट ऐसा ही है, एक अच्छा रिजल्ट है ये, इफ ए प्लस बी प्लस सी, क्या करे रहने दो भी, इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई टू, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू है, तो क्या आ जाएगा ये, टेन ए बाई टू क्या आ जाएगा, टेन ए बाई टू टेन बी अपॉन टू या बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू इक्वल टू वन, सीधा रिजल्ट याद करना। हो गया रिजल्ट, ये भी याद, अच्छा अच्छा रिजल्ट है, बढ़िया, ये रिजल्ट याद कर लें,
अगर कहीं भी है पूरू व्हाट इज दिस वैल्यू, क्या अंक है अंक हम इसके लिख दो, क्या लिखोगे सीधा? इवन सोल करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कॉपी लेकर सोल ही करने बैठा देखो वहाँ यूनिट का सोल किस तरह हो जाए, आंसर क्या है, टिक मार जाता है ना, किस तरह कर लो। क्या कह रहे तुक्का नहीं लगता, तुक्का कहाँ लग जाएगा? देखो तुक्का एक प्रोनेटिक है, तुक्का क्यों नहीं लगता बताऊँ, क्यों नहीं लगता देखो बताऊँ तो क्या होता है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के आंसर है ए बी सी डी, ये तो होता है भाई सवाल। यूँ कह जैसे आप कहाँ कहाँ बैठे हैं, आप बैठे हैं राज के इंटर कॉलेज में, एस एम इंटर कॉलेज, गुरु नानक या इस्लाम जो भी कहें चार स्कूल होते हैं, तो नाम है इनमें से एक तो सही है। अब क्या होती है तुक्के को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुक्का लिखे प्रोबेबिलिटी, संभावना। अगर मेरा नंबर है प्रोबेबिलिटी होंगे, बहुत ज़बरदस्त मस्त चीज है ये, मज़ा बढ़िया पड़ रहा होगा। क्या है प्रोबेबिलिटी को बोलने पड़े, समझना कम लिखना कम है, समझना ज़्यादा है, छोटे छोटे सवाल हैं मेरे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना, किसी भी चीज़ की संभावना क्या होती है, नंबर ऑफ टोटल नीचे ऊपर फेवरेबल, मतलब पक्ष में होने घटना बट टोटल, ये टोटल। अब ये है कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के चार आंसर है, मतलब चार आंसर में कितने सही है भाई, तो पक्ष में होने की घटना सही क्वेश्चन कितनी है, एक, टोटल कितने हैं, एक बटे चार, तो आप सही करोगे। और गलत कितने करोगे, पूरे टोटल कितने थे, एक था, तो ये तो ये क्या आ गए, ये तो करेक्ट हो गए। रोंग कितने जाएंगे, वन माइनस वन बाई फोर, फोर माइनस कितना आ गए, थ्री बाई फोर, क्या आ गए, यानी कि वन बाई फोर तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितने की है, सही होने की, और थ्री बाई फोर यहाँ तो बात सुन होगी, अब भी समझ में नहीं, थोड़ा सा वो क्लियर नहीं आई थी, मज़ा था नहीं आया। अब मैं इसको अगर परसेंट में बदल दूँ वन बाई फोर को, अब समझ में आएगा, तो वन बाई फोर कितना जाएगा इंटू हंड्रेड, थ्री बाई फोर इंटू हंड्रेड कितना हो जाए, 25% कितनी हो जाएगी करेक्ट होने की, और इसकी 75% कितना होगा, गलत ही कितना होगा, गलत होगा, और 25% कितना है चांस सही। अब आप इस पर खेल लिया, जितने जो पहले से ही सही कम है उस पर खेलना, यही जीतेगा। जो प्रधानी के इलेक्शन में, अब प्रधानी के इलेक्शन में सवाल बताया तुम्हारे गाँव में, एक ऐसा कैंडिडेट होगा जो पता सबको हारेगा ही, ये उस पर खेल लेगी, ये तो जीतेगा ही, सब उसे कहेंगे पागल हो गया, उसके बाद दो तीन लगे वहाँ आदमी पूरा पैसे वाले होते खाने पीने होते हैं, अगर जी तुम ही जीतोगे, बहुत वोट हैं सारे वहाँ हैं, तो पूरा गाँव क्या कर रहा, अभी यो हारेगा, लेकिन जो दो तीन हैं जो उसके पैसे खाने वो क्या गए हैं, वो उसे छोड़े पूरा गाँव ही गया, ये हारेगा वो क्या गया, नहीं जी नहीं देखो, हाँ भाई तू कहाँ जा रहा, वोट दे हाँ इनकी हैं सामने, क्या मना नहीं करता, कौन हो गया मना कराया, तो क्या देखो जी ये भी थारा ये भी वो सारे क्या है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये 25% सवाल होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तुक्का। अच्छा एक अब भी नहीं समझ भाई, एक और समझो थोड़ी सी और, क्या होता है अगर मान लिया 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में मान लिया तुक्का ही मान लिया तुमने, मान लिया तुम्हारे पे 70 सवाल आते थे, तो तुम्हारा 70% रिजल्ट आ गया, ठीक 70 नंबर आ गए ना, बड़े अच्छी रैंक हो गई, अच्छी मानी जाए, भी बढ़िया 70% नंबर है, बुरे तो नहीं। अब क्या करा भाई साहब ने, कह रहे नहीं 10 और मार ले तू टॉप ही कर जा, इन्होंने क्या करा कि 10 सवाल और तुक्के मार ले 80 कर दिए, कितने कर दिए, और उसमें होती है नेगेटिव मार्किंग, तो कितने सवाल गलत हो गए, 10 हो गए, मान ली 10 ही करे 70 आने से 10 बढ़ के चढ़ गए, उन्होंने तुक्के से करे वो जिस तो तुक्के मार 10 सुनो तुक्के से, तो 10 सवाल क्या हो गए इनके गलत हो गए, नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, वन बाई फोर ही गलती है, तो कितने सवाल गलत हो गए इसके यहाँ, 2.5 ढाई सवाल, तो 70 माइनस 2.5 कितने हो गए, कितने जाएंगे 75%, भाई साहब जो अपने हुए थे उससे बहुत नीचे रैंकिंग चली गई, क्यों हुआ वो गलत, तो जितने करेक्ट हैं वही अपने, नहीं तो सवाल गलत होगा, दिक्कत आ जाएगी। अब आगे सुनो, अब भी नहीं आया तो कितने जाएंगे, अच्छा मैं सोचा मैं तुक्का मार गाऊंगा, नहीं तुक्का किसी का लगता ही नहीं, मारना मार के देख लो, आज तक तुमने देखा भाई तुक्का मार गया का, ये सारे इंस्टीट्यूट कॉलेज टीचर सब यार सबका रोजगार बंद करवाओगे,
जितने मास्टर बेचारे रोजी रोटी चला रहे, मगर उन्होंने कहा मैं बताऊँ उसका है उन्हें वो जो है ना वो जिससे बात बात एक मिनट एग्जाम में ड्यूटी लगी जिसको लगती है हाँ जैसे राजकीय में भी लग जाए भाई कहीं भी लग जाए पेपर होते हैं जैसे भी पुलिस का पेपर होता है तो एक बच्चा क्यों कहता था वो आंखा नीचे लेता हूँ अब राम 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 जहाँ लगा ए अब फिर जैसे राम 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 बी मैंने कहा देखो राम भगवान है भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता वो हक इंसाफ की बात करते हैं बात ये सही है गलत है यहाँ तक के है भाई वो इंसाफ उसके साथ करें जिनने पढ़ा होगा उसके साथ बेईमानी ना जाएगा मैं तेरा सही हो गया भाई एक आदमी ने पूरे दिन मेहनत करी कहीं ना आया ना गया उन्होंने अपना पढ़ने पर ध्यान रखा तो भाई उसके साथ इंसाफ करेंगे या वो एक दो मिनट में तूने दो मिनट नाम लिया टुक 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 करके बताओ ईमानदार बताओ किसके साथ होना चाहिए जो जो पढ़ा था बेईमान ना हो जाएगा ना अगर ऐसा हो जाए तो मैंने कहा भाई मगर ऐसे थोड़े अगर दिमाग भी लगा लेता मगर अभी उन्होंने पता 10 मिनट में सारा पेपर 15 मिनट में कर करके सब लोग ही हो गए मेरा पूरा तो खैर तुमने ऐसा कर दिया भाई तो वैसे ही थी बात सही बात सही लगी थ्री टेन थीटा क्या कह रहे टेन फाइव इक्वल टू वन थ्री टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू वन हाँ थ्री टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू वन फाइंड द वैल्यू कॉस थीटा माइनस फाइव फाइंड द वैल्यू कॉस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस फाइव सवाल तो समझ आ गया होगा सवाल में कोई दिक्कत है ही नहीं है ग्राइंड का सवाल है यार देखो भाई अब देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा नया था क्यों करवा रहा मैं इसे थ्री को तो मैं जुगत हूँ रखूँ अपनी जगह ये इसके नीचे लिया हूँ क्या जाएगा ये बोलो वन अपॉन टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू बता दो भाई कितनी दिक्कत है इसका वन अपॉन टेन थीटा क्या हो वन पॉइंट टेन फाइव कहेंगे बराबर हो भाई कोट थीटा कोट फाइव ये थीटा ये फाइव है वैसे ये क्या क्या कोट थीटा कोट फाइव इक्वल टू थ्री यहाँ तो बात नहीं आ गई इसका नाम क्या है कोट थीटा का क्या कर सकूँ मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस फाइव अपॉन साइन फाइव इक्वल टू थ्री अपॉन से होंगे तो कुछ भी नहीं आया तो सब आएगा तीनों रात के लिए यहाँ तक बात बैठते सुनने के लिए एक चीज़ होती है कंपेंडो एंड डिवेंडो समझ में नहीं आया युगांतर अनुपात ये भी समझ में आया भाई तीसरी कौन सी लैंग्वेज बताऊँ तुम्हें चलो समझा दूँ नाम चलो नाम तो समझ में आ गया कंपेंडो एंड डिवेंडो अच्छा युगांतर अनुपात अच्छा दोनों ही सही है चलो भाई दोनों भाई एक तो याद नहीं रखा जा रहा दोनों याद रखूँ ए अपॉन बी इक्वल टू अगर सी अपॉन डी हो अगर ये दो इसकी फ्रैक्शन है फ्रैक्शन थी हैं या दो पॉलीनोमियल हैं या दो कुछ भी हैं जो भी मन में ठीक है ना या दो रैशनल नंबर कुछ भी है जो इधर करो वही इसमें भी कहना चाह रहा क्या है देखो नहीं कॉन्सेप्ट में सवाल करवा रहा अगर मैं से ए प्लस बी करूँगा तो इसे भी सी प्लस अगर इसे a माइनस बी करूंगा तो इसे भी सी माइनस ये है वो नई चीज है ये जिसे बोल रहे हैं कंपेंडो एंड डिपेंडो बहुत सॉल्व करते बहुत मजा आता है हल करने में ये लग जा कहीं भी बीच में यानी a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d है तो क्या आएगा a प्लस b अपॉन c प्लस d अपॉन अब भी नहीं आएगा भाई अब क्या जाएगा ये कॉस थीटा कॉस फाइव आगे प्लस साइन थीटा साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव इक्वल टू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन
कंपेंडोन डिवेंडो लगा दी आई का बेटे बात मार बेटे जो ये ऊपर मैंने जोड़ा है ये ऊपर जोड़ा है इसे घटाया यह जोड़ा है इसे घटा भी ये आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी क्या बराबर फॉर्म लेता है मैं तो यही लिखा तो खड़े याद होंगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी ये तो पढ़ाई होगा तो कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन नीचे क्या आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस फाइव तीन और एक चार अपॉन दो दो बटा एक नहीं आ गया फिर इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा क्या आ गया कोस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू टू कोस थीटा प्लस मुश्किल था बस क्या था थोड़ा कॉन्सेप्ट कंपेंडो एंड करो डिजिटल की रात है हम एकदम गरीब हैं हम यूं करो जाएं गरीब हैं ना जितने गरीब से हुए हैं मेहनत से साइकिल पर जा गए हैं टिक मारा एकदम भरा जाए चलो कोई बात नहीं कभी तो मेरे ताबी हैं मेहनत करते रहो मैं देखो भाई क्या है कोस एक्स प्लस अल्फा कोस एक्स प्लस बीटा कोस एक्स प्लस गामा इक्वल टू जीरो फाइंड गामा माइनस अल्फा फॉर ऑल इसका मतलब क्या है सबके लिए एक्स बिलोंग्स टू आर आर मीन्स रियल नंबर दिक्कत तो नहीं यहाँ तक की बात नहीं अब देखो क्या आ जाएगा लिखो फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू लिख लिया फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बस ठीक है समझ में आ गया देखो क्या करते हैं इसमें भाई इसे कर लिया कॉस ए प्लस बी कॉस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई कॉस ए कॉस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस एक्स
कॉस बीटा माइनस साइन एक्स साइन बीटा प्लस कॉस एक्स कॉस गामा माइनस साइन एक्स साइन गामा इक्वल टू जीरो। इन सब में से क्या कॉमन है? कॉस एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉस एक्स कॉमन है। क्या आ गया? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस एक्स कॉमन है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा माइनस साइन एक्स कॉमन लेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू जीरो। माइनस साइन ए साइन बी फिर कोस एक्स कोस बीटा माइनस साइन एक्स साइन बीटा अभी नहीं सुनिए। अब इसमें से और इसमें से और इसमें से सब में से क्या कॉमन ले लिया भाई? कोस एक्स कॉमन लेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है भाई इसने? देखिए जरा एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? कैसी है? तो ये तो जो है जीरो नहीं हो सकता। कोस एक्स साइन एक्स की आंसर की तो ये क्या देगा? कोस अल्फा और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जीरो है। इन दोनों क्या डिफरेंस है? कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल टू जीरो। इसी तरह क्या देगा? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा है भाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इसे यूं लिख सकूं भाई कोस अल्फा प्लस कोस गामा इक्वल टू नहीं भाई ये क्या कर दिया मैंने बीटा था यार तू रिटर्न वाली बात तो नहीं फिर सोचो वैसी कर दिया माइनस कोस गेम में क्या आता है ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू माइनस साइन गामा है बेटे आगे तुम मान ले फर्स्ट है ये सेकंड है दोनों क्या कर दूँ स्क्वायर एडिंग कर दूँ इसका स्क्वायर करके आ जाएगा कोस स्क्वायर प्लस टू कोस अल्फा कोस बीटा और इधर का क्या आ गया कोस स्क्वायर गामा इधर क्या आ जाएगा देखो ये गलती कर दी भाई मैंने पता क्या गलती कर दी मुझे चाहता है गामा माइनस अल्फा तो गामा अल्फा एक तरफ रखना है नहीं ये मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत ये मैंने गलती कर दी तुमने भी ध्यान नहीं दिया मैंने मैंने देखो ये बीटा तो रटने वाली बात सुनी बेटे इधर बीटा होगा इधर क्या है क्योंकि रिश्तेदारी तो नहीं महती होनी जो परिवार में रिश्तेदारी हो तो होनी चाहिए मौजूद या नहीं है नहीं लड़का लड़की वाली तो होनी चाहिए जब भी तो शादी हो अगर मेन होगी दौड़ती दौड़ती काम चल जाएगा तो इधर है गामा माइनस अल्फा आज मैंने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो दोनों क्या करा स्क्वायर करके क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जहाँ से आएगा जब जोड़ूंगा इधर से क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो एक तो वन यहाँ से आएगी एक वन यहाँ से आएगा और प्लस दो दोनों में से कॉमन ले लूंगा मैं तो क्या आएगा कोस अल्फा कोस कोस गामा प्लस साइन अल्फा शाबाश बहुत अच्छी मेरा काम कर दिया इतना आसान इधर क्या आएगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस बीटा तुम्हारे समझ में नहीं आया नहीं तो खोल ही दिखाऊं भाई कभी सोचता हो कि हवा में हो रहा है आई नहीं क्या समझो है नहीं अब तुमने जी बस ठीक है जो भी हो रहा है ये कर देंगे क्या दिक्कत एक लाइन तो बढ़ेगी इधर क्या आएगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन और वन कितना आ जाएगा और टू प्लस टू फोर है तो वन और वन टू इधर आ क्या आ जाएगा ये वन माइनस टू कितना जाएगा माइनस वन इधर क्या आ जाएगा टू कॉस
ये नई लाइन से भाई इसके नीचे ताड़ जो अगर ताड़ जो क्या आएगा टू कॉस एल्फा कॉस गामा प्लस साइन एल्फा साइन गामा इज इक्वल टू माइनस वन। तो क्या आएगा कॉस एल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। ये कितनी वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू कॉस में? हाँ जी कॉस में। कुछ तो होती होगी तो है, है? मान लिया कोस एक्स की हो तो कोस एल्फा एल्फा माइनस गामा इक्वल टू कोस एक्स और एक्स इक्वल टू आगे 120 को किससे लिख रहे हैं पाई बाई मां 120 की हो बस वैसे ही बोल रहे हैं शायद 60 की। अरे भाई अब माइनस है तो माइनस 90 से बड़ा होगा तुम और छोटे कोस ये बताया था कल मैंने 90 से छोटे सारे प्लस के हों भाई 60 उतार कितने की हो शायद है, शायद चलेगा। टू कॉस टू पाई बाई थ्री और अल्फा माइनस गामा इक्वल टू है? सही है सही कहते पास कर दे। ये सवाल लिख लेगा मैं बढ़िया सवाल था अच्छा लगा आ रहा कुछ थोड़ा थोड़ा भाई पता ही आ रहा है तू अभी आ रहा नहीं कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है कुछ तरीके में सुधार या सुधार की जरूरत है अच्छा बड़ी अच्छी बात है हैं जी नहीं इस सब्जेक्ट हाथ और बिटोगा मैं तो बहुत हल्के लिए चलूँ हल्के लिए पढ़ाता हूँ तेज पढ़ा रहा हूँ बहुत हल्के लिए इतना टाइम खराब होगा फिर भी है क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ये लिखा नहीं पता क्या दिक्कत है बायोलॉजी और मैथ में थोड़ा फर्क है बायोलॉजी बगैर किताब के पढ़े जा सके आप पहले पढ़ लाए अब जबानी बोलते चले गए एक फिगर बना के उसके ऊपर ये तो होता है बायोलॉजी में भाई मतलब किताब की जरूरत नहीं है यहाँ सवाल देखने की जरूरत है सवाल थोड़ी याद रहेगा आदमी यहाँ कॉपियों देखने ही देखना है ये है सवाल देखते जा रहा हूँ वही कभी तो बोल देंगे देखो क्या सवाल है क्वेश्चन है ये वन प्लस टेन वन डिग्री वन प्लस टेन टू डिग्री वन प्लस टेन टू डिग्री अप टू वन प्लस टेन 45 उसकी वैल्यू निकालनी क्या वैल्यू होगी। हाँ तभी तो मैं क्वेश्चन ही तो लिखा अभी तो कुछ लिखते रहते इसकी बताओ क्या वैल्यू हो सके
देखो ये अब क्या है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू निकालनी थोड़ी मुझे मुश्किल सी लग रही, ना तो मैंने एक डिग्री पढ़ा ना दो डिग्री ना थ्री डिग्री, भाई ये तो पढ़ रखा भाई सीधा था एक, और कुछ नहीं पढ़ा मैंने। और ये जो है यही दिक्कत है, और काम ही नहीं चलना ही तो है। ऐसे है भी वैल्यू पढ़ा क्यों तुमने? मोबाइल नेट बैठा पढ़ी हो तो पढ़ते रहते हो, पढ़ा नहीं तुमने, छोड़ दी थी कल पढ़ते हैं लास्ट टर्न पे, वो दूसरे वाली थी उनके, अरे दूसरे वाली छोड़ दी, फिर उन्होंने पढ़ी नहीं। मैं तो वन प्लस टेन एक्स क्या आ गया, वन प्लस इसे लिख सकता हूँ टेन 45 माइनस एक्स, मेरे जी चाह रहा लिखने के लिए यार, कभी कोई दिक्कत तो नहीं भाई, लिख दिया मैंने वैसी है भाई। अच्छा इसकी वैल्यू क्या हो सके यार, वन प्लस टेन एक्स ये डिग्री में है भाई, ये वाली इसकी वजह से लिख रहा हूँ मैं, ये भी डिग्री में, अगर डिग्री भूल जाऊँ बता दे डिग्री है, दिक्कत तो नहीं कुछ। देखो ये वन प्लस तो झुको तुम भाई, ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो मैंने लिखो क्या हो, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए, शाबाश याद है भाई शाबाश, टेन ए बोल लो आगे माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, यहाँ तक के तो बात समझ आ गई भाई, दिक्कत तो नहीं पूरे से। अब देखो क्या है ये वन प्लस टेन एक्स तो जुगत हूँ भाई, और आगे वन प्लस टेन 45 की वैल्यू कितनी है, और टेन एक्स की वैल्यू एक्स ही रहेगी पता नहीं तो जुग तो रखेंगे, अपॉन वन वन प्लस वन टेन बी, वन वन टू जो कर दूँ कहाँ कर दे भाई, तो एक मल्टीप्लाई होगी पहले, हाँ तो टेन पैंतालीस की वैल्यू वन और लिख रहा था मैं, वही टेन पैंतालीस वैल्यू को वन वन प्लस वन हो जाएगा, अरे नहीं बाबा वही पहले मल्टीपल होगी, वन प्लस टेन एक्स आएगा बी नहीं एक्स आएगा, अच्छा वो ए भी बोल रहा होगा तुमने, मैं वही गलती तुम्हारी थी, वन प्लस गलत लिखवा गए, मुझे ठीक ठीक करवा रहे फिर हैं, ठीक आगे बात नहीं आ सकती भाई, देखो कोई बात नहीं चलती है, छोटी मोटी गलती तो माफ है भाई, इसी तो माफ हो जाओ, चलो है। तो क्या आ गया ये इसकी, ये प्लस और ये वही तो होती है, मतलब तेरे क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन एक्स क्या आ जाएगा, ये वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस, वो ये भी ना बोले बोलो भाई, इससे जाएगा भाई एक और एक, तो क्या जाएगा ये वन प्लस टेन एक्स इंटू टू एक और एक दो अपॉन वन प्लस टेन, इससे जाएगा अब भी नहीं बात सर, बात तो परेशान वाली थी, नहीं आपने कैसे माना, मेरे जीता जा रहा है अब की मानना, अब देखो मतलब अगर मैं यूँ कहूँ वन प्लस टेन एक्स वन प्लस टेन 45 माइनस एक्स की वैल्यू दो होगी, ये चीज़ तो बात नहीं माजा सर, ये चीनी भी नहीं आती, अब क्यों मानना, बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी सोच रहा था तुमने कि किसी भी नहीं थोड़े जब मानते फिरेंगे। देखो भाई अगर मैं यहाँ ऐसा कर लूँ इन दोनों का सम 45 कर दूँ, ये तो कल करा था एक सवाल मैंने, तो एक्स को कितना एंगल मान लूँ मैं यहाँ 44, अगले किसका मान लू वन, दिक्कत तो नहीं इसका, यानी कि ये यूं कहना चाह रहे इन्होंने कहा कि मुझे इसे तो टेन 45 मान लो, इसे टेन 45 मान लो, चाहे वन प्लस टेन वन मान लो, या फिर वन मान लो 45 मान लो, चलिए एक ही बात है यार, एक्स को जब मैं क्या पुट करूंगा वन पुट करूंगा तो 45 माइनस वन कितना जाएगा, 44 आ गए ना, ये लिखा दे इन दोनों का सम 45 आना चाहिए, 45 और 1 45 क्योंकि 45 आएगा। अच्छा अब अगर दूसरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 यहाँ 10 बनाएगा, अब क्या आएगा यहाँ 1 प्लस 10 2 डिग्री, ये क्या आ जाएगा इसका डैडी कौन सा रखा है यहाँ, 1 प्लस 10 43 ये रखा है यहाँ 43 यहाँ आया होगा, इसका एक और डैडी होगा क्या होगा, वन प्लस टेन टेन थ्री डिग्री आगे सर, वन प्लस टेन 42 डिग्री, आज तो भी नहीं है बच्ची, आप जो तुम तो तुम्हारी गाड़ी तो नहीं है कोई,
तो ठीक है, थोड़ी देर थोड़ा सा हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, लंबा सा हो जाए मैं, हाँ मतलब पूछना पड़ेगा ये। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, क्योंकि जब जितने भी इसके एंगल होंगे सबके टू इन वैल्यू है, नहीं इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसकी कितनी वैल्यू होगी, लास्ट में करते करते कितना जाएगा ये, कल भी आया था ये सही सर, 44 तो आ गए यहाँ, बार बार करूँगा, लास्ट में क्या आएगा है? नहीं नहीं वो तो लास्ट में आएगा 1 + 10 = 45 आएगा ये, लेकिन ये अकेला ही है, इसके साथ और 45 को 9 जीरो हो जाएगा, जीरो जो हाथ गया, बस ये हाथ गया, इसकी ज़्यादा ज़्यादा कर सकूँ 1 + 10 = 0, और 10 = 0 की 0 0 0 + 1 1, चाहे इसी लिख सीधे को दिक्कत तो नहीं, तो इसकी तो लिखनी ये आ गई। अच्छा इससे पहले क्या आ सकता है यार, मेरा जी चाह रहा इससे पहले लिखने को, जी तो चाह सकता है इससे पहले लिख के आ सकता है भाई, बताइए क्या, हाँ बोलो बोलो, ये तो ये लिख दिया मैंने, इसे बार बार लिखने लिख नहीं दिया इसे, अगले में क्या आएगा 1 + 10 = 4 + 1 + 10 = 41, इस तरह लिख करते करते यहाँ लास्ट में हो जाएगा, लास्ट से पहले वाला पूछ रहा मैं, संजमा आ गया हो तो गए, जब तो पता लगेगा संजमा आ गया, अभी तो चली रही नाम कथन मेरे, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या आएगा, कल भी बताया था ऐसे सवाल हैं, हाँ बढ़े था, अभी क्या समझ में आया, तो बढ़िया क्या था कुछ नहीं, बताओ देखो भाई क्या है बेटे, देखो कोई बात नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ, किसी याद करने की कोशिश करना, देखो यहाँ 1 तक के लगातार 45 तक है, मुझे क्लियर है, अब मैंने 45 वाला तो यहाँ लिख दिया, अब क्या लिखता जा रहा हूँ मैं, इनका 45 योग करना, 1 = 45 45 2 = 45 3 = 45, अरे यहाँ क्या आएगा 1 + 10, मतलब इससे पहले वाला, यानी आधे तक पहुँच जाएगा, एकदम आधे के बाद हुई था, ये बीच के दोनों ये यहाँ यहाँ वाले मिलेंगे, ये यूँ जिसमें मान लिया अगर 1 से 10 तक है, 1 से 9 तक है, ये मैंने कहा यारी 1 इधर का बनेगा, क्या कहा, 1 इधर का 1 इधर, 5 6 7 यानी 1 और 8 2 और 7 3 और 6, तो बीच के दोनों बनेंगे ना, बीच के वाले यारी 4 5 1 2, तो इससे जो होंगे बीच के होंगे, बीच में 22 23 नहीं आना, सबसे बाद में वही नहीं बचना 22 23, जिससे यहाँ 4 5 बचा था, तो क्या बचेगा, यही बचेगा, नहीं देख 10 22 रख के यहाँ, तो क्या जाएगा 45 - 10 45 - 22 कितना आएगा, 10 कितना जाएगा 23, क्या जाएगा 1 + 10 22 1 + 10 23, अब भी नहीं की बात नहीं होगा है, जब कल भी आ गई थी यार तुम्हारे तो, अब मैंने गलती करने फिर एक और करूँगा ऐसा ही, हाँ जान करूँगा ये आगे से, और जिस दिन लास्ट टर्न होगा उसको टूर्नामेंट में, फिर टेस्ट भी दिया जाएगा भाई, याद कितने पढ़ ले रही है, तो 1 + इतने कितना आ गया, ये 2 ये भी कितना आ गया 2, अच्छा ये सारे होंगे कितने यार, ये नंबर ये कितने हो सके हैं ये जोड़े, 25 होंगे हैं, ये 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 कितने आएंगे यहाँ तक के, कितने होंगे ये यहाँ तक के, लास्ट तक के या यहाँ तक के बता दे, चल ये जोड़े यही बता चले, ये कितने होंगे, हाँ कितने होंगे ये 22 24 तो ये हाँ है 2 ये 22 अरे एक यूरा 23, मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर लूँ, इन सब की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 + 10 1 1 + 10 44 1 + 10 2 10 43, ये बराबर 2 की पावर कितना आ जाएगा, अब देख यही नहीं आया, ये सारे यही नहीं आ रहा है, यही नहीं आनी, इसकी वैल्यू सबकी कितनी आ गई,
आई नहीं बात में, बढ़िया सवाल नहीं है। इसकी सारी की वैल्यू 2 की पावर 23 होगी भाई। अब फिर आगे क्यों कराता है मैंने, ठीक है, यानी कि मैंने क्या करा कि एक ऐसा फंक्शन ले लिया 1 प्लस tan x इंटू, इसे देख के, इन्हें दो, इन्हें देख के, इसे इसे जिनका 45 हो, यू है वो 1 प्लस tan x 1 प्लस tan 45 माइनस x, इन दोनों का सम क्या आ जा, ये मैक्सिमम 45 है, इसे देख के लिखा मैंने 45 माइनस x, इसे x को देख के, रटने वाली बात भी नहीं है, रटने वाली बात नहीं है। अब क्या करा मैंने, जब इसमें से x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये आ गया, 2 रखूंगा तो यहाँ तक आ गए, ये सारे कितने होंगे 22 नीचे वाली, एक बाद में बचेगा जो, इसकी वैल्यू बाई चांस 2 आ गई। जब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 अब टू कहाँ तक है 23 तक के, तो 2 की पावर 23 आ गया आंसर। आगे बढ़ेंगे, चलो थोड़ी देर कान डाल दूंगा, थक गए तो बहुत ही धूप हो रही, चले जाइए आराम से। क्या कह रहे नहीं कम दिया कर यार, साहब एक बार वो मर गए बोल लो, तो 5-10 मिनट की तो बात है बेटे, 5-10 मिनट में यार, मतलब इजाज़त ली पहले पूछा नहीं था भाई तुम्हारे से, हैं यार 10 मिनट कोई दिक्कत तो नहीं, 10 मिनट कह दिया या चिल्लाने सोच बाद में देखने, आप जाने सोच लीजिए भाई, आपको अगर ज़्यादा जल्दी है जा सकते हैं आप, हाँ मैंने देख देखती है तुम्हारी पास ही है, कल ऑनलाइन ली थी कि संजो आ गया था, आ जा संजो तुम्हारे, क्लास की अलग बात है, चलो जी देखती हूँ। इसे तो मिटवा दूँ, देखो देखो भाई अब क्या है फार्मूला, ये पढ़ रखा होगा तुमने, 2 sin a cos b पढ़ रखा है, क्या बराबर होता है 2 sin a cos b, याद है कि नहीं, थोड़ा सा अगर बता सकता है कोई, भूल गए, भूलना तुम रिलेट करा करो यार, मैं कहा था हर चीज नहीं याद रहती, मैं तुम्हें रिलेट करनी होता बताता नहीं, रिलेट करा करो, भूल भूलते जाऊंगे बहुत, अभी तो नई नई चीजें हैं जो फंक्शन पढ़ा रहा, नए नए कॉन्सेप्ट, ये तो फिर भी वैसे भी नहीं, बताओ याद आगे थी 2 sin a cos b, हैं याद करे कोशिश ना करिए, देखो सिर्फ ये फार्मूला तो याद है ही कि ठीक है, ये भी नहीं देखे इसका फार्मूला क्या होता है, बोलो sin a cos b प्लस कॉस ए, आगे जल्दी पढ़ो साइन ए, देख लिया थोड़ी लिखाई नहीं आती है समझ में, तो आधा लिखा है जो लिखा था मैंने, ये लिखाई भी ठीक सी करूँ थोड़ी और चल जाएगी, चलो दौड़ेगी कहते, इससे ये चलेगा, इससे इसे दोनों को जोड़ दिया 2 sin a cos b कहने बराबर आ गया sin a plus b plus sin a minus b। अब तो ध्यान रहेगा, इसके बहुत सारे फॉर्म ले लिख लूंगे या सारे लिख के दो बताओ, मैं बच्चों की तरह नहीं सर, देखो ये क्या है, ये फॉर्म ले की कॉपी बना लेना, फॉर्म ले लिखा मेरे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री कम से कम फॉर्म तो याद होनी चाहिए, चलो अब ये कहाँ, अच्छा ये हो गया sin a plus b plus sin a, ये गलत तो लिखवाया मैंने, चेक कर लो अपने कभी गलत लिखवा दो मैंने, ठीक है, अच्छा ये बताइए मुझे क्या होता है फॉर्मूला, sin c minus sin d, ये भी लिख रखा
ये क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, बताओ भाई। अच्छा अब तो रिटर्न की जरूरत ही नहीं है, ये चारों फॉर्म में देख लो भाई क्या होते हैं। यार हर एक मैं निकाल ही दिखाऊँ क्या लिखू निको सबकी होगी देखी इतना मतलब घर जाके चार फॉर्म होते हैं ये टू साइन ए कोस बी टू कोस ए साइन बी टू कोस ए कोस बी कर लोगे। ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी का क्या फॉर्म होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई कल लिखवाया था हाँ लिखा चलो कोई बात नहीं चलो। लेकिन देखो भाई आता कहाँ से इसी रिलेट करके दिखाऊँ आया कहाँ से भाई करके दिखाऊँ। अगर मान लिया मैंने इस ए प्लस बी को सी मान लिया, ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को क्या मान लिया डी मान लिया, ये पहली इक्वेशन है। और ये इन्हें इक्वेशन को क्या कर लिया दोनों को प्लस कर लिया तो बी से क्या आ गया ए रे टू ए इक्वल टू सी प्लस डी और ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बोलो क्या आ गई साइन। देखो सी की वैल्यू कितनी है यहां से साइन ए प्लस बी लग दी और डी की वैल्यू साइन ए माइनस डी टू साइन सी प्लस डी की वाई टू की सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है ए नहीं है टू साइन ए। इस तरह अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या जाएगा टू बी इक्वल टू सी माइनस डी, बी इक्वल टू क्या जाएगा सी माइनस डी बाई टू, तो क्या जाएगा कॉस सी क्या जाएगा ये कॉस क्या जाएगा ये डी देखी हुई नहीं है दिक्कत तो नहीं है तो याद कर लेगा रिलेट कर लेगा। ये भी पांच छह फॉर्मूले लिख ले भाई कल भी लिख के दिखाइए सारे फॉर्मूले लिख देगा कम नहीं इतना तो करी लोगे मुझे दिखा दूंगा बच्चों की तरह कभी वैसे चल रहा होना चल रहा सत्संग का है। तो क्या है टू साइन ए कोस भी इसके भी छह फॉर्मूले हैं इसके भी होंगे बहुत सारे तो टू साइन ए कोस भी क्या बराबर रहता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी कोस डी तो इसमें इसमें क्या आएगा फिर आके फॉर्मूले वहाँ एक आएगा साइन सी माइनस साइन डी एक आएगा कोस सी प्लस कोस डी एक आएगा कोस सी माइनस कोस डी ये आएगा ढेर सारे है नहीं मैं पूछू यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी मैंने कहा टू कोस सी प्लस डी साइन सी माइनस डी मैं कोस अगर ना जी साइन और सी प्लस डी अगर ना जी डी माइनस सी बस यूँ तो पता डी यार सी प्लस है मैंने को है क्या ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल सीधा सीधा सा बात है याद कर लेना जी हाँ साइन सी प्लस डी इक्वल टू क्या आता है टू साइन सी प्लस डी कोस सी माइनस डी बाई टू आ जाता है आई बात सुनो कर लोगे से रट रटो उतारने से ऊपर जी ठीक है देख लो एक तुम्हें क्या क्या फॉर्मूला आता है इसके बाद आता है फॉर्मूले साइन टू ए साइन थ्री ए कॉस टू ए साइन टू ए की बहुत फॉर्मूले हैं साइन टू ए क्या आता है टू साइन ए कॉस ए साइन टू के टेन टू ए टू टेन ए वन वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए होते हैं ना अलग अलग फिर इस तरह ही साइन थ्री ए के फिर कॉस थ्री ए के कॉस फिर टेन थ्री ए के फिर क्या है टेन थ्री ए के तो पोथरी बांध दिया आज है भाई ये लिख के दिखो यार लिख लूंगे यार इसे याद भी कर ली लिख तो रखिए जरूरत पड़ेगी है लिखे तो कॉपियों भी थे किताब में हाँ किताब ही तो तारे होंगे तो भाई ये इतनी ये फॉर्मूले लिख लियो भाई इनके बिना काम नहीं चलते इनके बिना। अच्छा एक सवाल देता हूँ मैं तुम्हें घर को एक छोटा सा घर हो जा
देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता तो चलो करेंगे भाई। ये मिटो दूं इन्हें, देखो ट्रिग्नोमेट्री की क्या है, तुम इसको ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दो या ना करो ना करो, लेकिन इसके फॉर्मूले जरूर पढ़ लियो, क्योंकि इसके फॉर्मूले और बार बार और क्वेश्चन में भी लगते हैं, लगते नहीं इससे पहले मुझे, मैंने वो क्या पढ़े थे जब भी लगे थे भाई, उन थ्योरम में भी आते हैं, तो इसलिए इनके फॉर्मूले के बिना ना काम चलना नहीं भाई बिल्कुल, ये चल जाएगा, हाँ चल लेगा नहीं भाई, देखो दौड़ रहे तो बहुत दूरी बात, चलना भी नहीं। देखो भाई क्या है, टू टू ये प्लस रूट टू प्लस फिर एक और टू प्लस इन टू प्लस टू कॉस एट थीटा, क्या है भाई ये, क्या है, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टू, ये टू एस आएगा रूट टू यहां तक के, फिर इस रूट टू, फिर ये वहां तक के, यहां तक के रूट टू, फिर ये टू प्लस टू कॉस एट थीटा, इस फाइंड द वैल्यू इसकी, यह सवाल अच्छा था लगा, टू से टू पहले बहुत ज्यादा पहन लो कपड़े से, हैं इसकी वैल्यू निकाल लें, निकाल लोगे, निकल गई ठीक, कल को फिर करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, थोड़ी भी गलत या सही जैसे भी है निकालनी, ठीक है भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है या आगे करूँ और, मेरे से नहीं काम चलना, चलने तो आपसे, चलो ठीक है, ठीक है अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।